फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी एंड पॉलिसी पीडब्ल्यू एक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि 1995 का है। इसमें हम इसकी विशेषताएं जानेंगे, इसके संबंध में सरकार के प्रयास क्या हैं, सरकार की चिंताएं क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आज का लेसन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विकलांगता अधिगम और नीतियों के बारे में जान लेते हैं, यानी इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं ये जान लेते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिगम पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को अधिगम के क्रियान्वयन के पर्याप्त अनुभव के प्रकाश में नए वर्षों में विकलांगता क्षेत्र में किए गए विकास और संयुक्त राष्ट्र के तहत प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश पर एक नए कानून को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसको हम पीडब्ल्यू एक्ट कहते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यू एक्ट कहते हैं इसको। और हम आगे चलते हैं, देखते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट में बयान में कहा गया था, मतलब जब ये बन रहा था तो उसमें कुछ मुख्य बातें थी जो कही गई थी कि विकलांग व्यक्तियों को UNCRPD पर सम्मेलन पर इस इकाई पे हम मौजूद कर्तव्यों और नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। व्यक्तियों के मानव अधिकार क्या हैं, समाज में सदस्यों के पास समान मानव अधिकार है, उसमें नागरिक था, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार शामिल हैं। ये सारे अधिकार जो हैं वो समाज के सभी व्यक्तियों को में शामिल हैं। इन अधिकारों के उदाहरण भी दिए गए निम्नलिखित हैं, उदाहरण भी निम्नलिखित दिए गए थे, जैसे बिना किसी भेदभाव के कानून की समतुलता करना, यानी बिना किसी भेदभाव के कानून को मानना, ठीक है, जीवन के अधिकार का अधिकार व स्वतंत्रता व व्यक्ति के सुरक्षा करना, कानून व कानूनी क्षमता से पहले समान मान्यता, यातना से स्वतंत्रता, शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहारों से स्वतंत्रता, शारीरिक व मानसिक अखंडता, तो ये सब जो चीज़ें थी ये थी। आंदोलन व स्वतंत्रता व राष्ट्रीयता, समुदाय में रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति व राय की स्वतंत्रता, गोपनीयता के प्रति सम्मान, घर और परिवार के प्रति सम्मान, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य शिक्षा, काम करने का अधिकार, जीवन के पर्याप्त मानक अधिकार, भाग लेने का अधिकार, राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन के लिए अधिकार, तो ये जो अधिकार थे ये पीडब्ल्यूडी में कहे गए थे, ठीक है। पीडब्ल्यू में जब बयान दिया जा रहा था तब ये बातें कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो देख लेते हैं। अब बारी आती है कि दिव्यांग अधिकार अधिगम, मतलब डिसेबिलिटी एक्ट अधिनियम 2016 के बारे में जानने की। तो जो डिसेबिलिटी अधिकार था वो 2016 के अंतर्गत राज्यसभा द्वारा प्रेरित हुआ था, पारित किया गया था, जो कि डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से जाना जाता था। 2016 बनाया गया, जो वर्ष 1995 में डिसेबिलिटी अधिकार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, इसको निरस्त भी कर दिया गया था 1995 में, इसको निरस्त करता है। जो 1995 में अधिकार बना था उस चीज़ को ये निरस्त भी करता है। अब आते हैं डिसेबिलिटी एक्ट अधिनियम 2016 की मतलब विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले जो विशेषता थी वो थी विकलांगता की परिभाषा में बदलाव। डिसेबिलिटी एक्ट अधिनियम 2016 में डिसेबिलिटी की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे एक व्यापक रूप में बनाया गया था, ठीक है। दरअसल इस अधिगम में डिसेबिलिटी को एक विस्तृत और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया था। अपंगता के मौजूद प्रकारों में 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए थे। साथ ही केंद्र सरकार ने इन प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी थी। आरक्षण की व्यवस्था गौरत मतलब में शिक्षा व सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को 3% आरक्षण दिए गए थे की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में बढ़ाकर 4% कर दिया गया था, मतलब आरक्षण में भी वृद्धि हुई थी इसमें। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान ये थे कि नया अधिगम बनाया गया था, नया अधिगम व इस संबंध में बनाने वाले कानूनों को विकलांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्देश्यों में बनाया गया था, ठीक है। भारत में UNCRPD हस्ताक्षर कर देश में अधिगम बनाया गया था। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी इसमें पीडब्ल्यूडी में 2016 में दिए गए थे। इसमें जो सरकार की चिंताएं थी वो भी व्यक्त की गई थी, जैसे कि जो डिसेबिलिटी छात्र थे उनमें समय समय पर भर्ती अभियान चलाए गए। मौजूद सरकारी नौकरी में डिसेबिलिटी व्यक्तियों को पूर्व आरक्षित 3% व 4% सीटों में लगभग 1% सीटों में पर ही भर्ती हो पाई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अभी भी 73% से अधिक जो डिसेबिलिटी हैं उसमें श्रम शक्ति के दायरे से बाहर है। मानसिक रूप से अहम लोगों को दिव्यांग महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन और सबसे अधिक उपेक्षित हैं। सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने हेतु कई कदम उठाने के बावजूद आधे से ज्यादा दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। केवल स्टेशनों और ट्रेनों की सुगमता का अभाव विकलांगों के साथ साथ बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। इसमें जो समाधान किए गए वो भी है, जैसे कि नए अधिगम में मानसिक रूप से विकलांग दिव्यांग महिलाएं और ग्रामीण के क्षेत्रों में रहने वाले दिव्य बच्चों को चिंताओं के साथ साथ रोजगार चिंताओं का भी संज्ञान किया गया। फिर भी सुधार
तभी संभव है जब प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो, जो दिव्यांग की सहायता से सहायक उपकरण के संबंध में अनुसंधान विकास को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। यदि व्यक्ति के अधिकार व कार्यान्वयन किए जाएं तो दिव्यांग बच्चों को नए स्कूल जाने की स्थिति बदल सकती है, जबकि नया अधिनियम भी शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करता है। साथ ही स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं के लिए बेहतरी पर जोर दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन में दिव्यांग में सुगम बनाने के लिए कार्यक्रम तत्काल शुरू हो गया है। तो ये सारे कुछ मोटिव थे जो आज भी हमारी शिक्षा को PWD द्वारा अच्छे से अच्छा बनाया जा रहा है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी हर चीज़ में उसको सबको डिसेबिलिटी छात्रों को और डिसेबल महिलाओं को अच्छे से अच्छा चीज़ देने की कोशिश की जा रही है, सरकार के द्वारा भी की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकताएँ हैं जो उन बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती हैं, कुछ पिछड़ी मानसिकता वाले लोग हैं अभी। इसीलिए हमें सभी को एजुकेशन देनी चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि हमारा भविष्य और हमारी देश की तरक्की आगे हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।